गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जितने बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च होते हैं आजकल, बहुत सारे हमारे जाने माने ब्रांड्स जैसे कि रेडमी सॉरी रेडमी और रियलमी, जैसे कि हमारे जो फ़ोन्स जो लॉन्च करते हैं वो सब बहुत ही कमाल के प्राइस में हमें मीन्स बहुत ही लो बजट में हम लोग को जो फ़ोन से ऑफ़र कर देते हैं। सो गाइस, अभी कुछ इस प्रकार से न्यूज़ निकल के आया है कि बहुत सारे जो ब्रांड्स अभी जो क्या बोलते हैं फ़ोन के जो ब्रांड्स, वो सारे ब्रांड्स अभी क्या कर अप्रैल 1 तारीख से क्या हो रहा है, प्राइसिंग होती है जो बहुत सारे ब्रांड्स उनके जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के बारे में तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्यों बढ़ गई ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और कितने से कितने बढ़ गई ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। चलिए गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो इंडिया में ज़्यादातर अभी सावमी और रेडमी ने सॉरी सावमी रेडमी एक ही है, तो सावमी और रियलमी ने अभी जो है बजट में बहुत सारे फ़ोन्स जो है लॉन्च करते हैं बहुत कमाल के प्राइस में, मीन्स बहुत ही लो बजट में हमें बहुत बढ़िया फीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे उसका कैमरा हुआ, प्रोसेसर हुआ, हर चीज़ हमें बहुत कमाल की ऑफ़र करती है। बट अभी अप्रैल 1 तारीख से ये निकल गया है कि मीन्स हम लोग का जो प्राइसिंग है, मीन्स जो जितने भी मीन्स ब्रांड है, अभी बहुत सारे ब्रांड जो है वो सारे ब्रांड अभी क्या करेंगे, GST की वजह से इन सब के जो प्राइस अभी बढ़ जाएगी। अब कितने से कितना बढ़ेगी, सो गाइस अभी ये जो प्राइसिंग है मीन्स 1500 से 1000 से लेकर 5000 तक ये बढ़ सकती है, मीन्स इसका जो प्राइसिंग वगैरह है मीन्स कितने इसका जो बढ़ेगी उसकी। सो अभी क्या है कि मीन्स अभी अभी जो है हमारा जो कंपनियां हैं, जो बहुत सारे कंपनियां हैं, तो पहले बहुत सारे कंपनियां थी जो मीन्स 12% पर आपको मीन्स GST देखने को मिलता था, बट अभी क्या है कि 18% पर आपको जो GST वो देखने को मिलेगा। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि गैस पहले बहुत पहले से मीन्स लफड़ा चल रहा था कि यूनियन बजट के तहत ये चल रहा था कि मीन्स बहुत सारा लफड़ा वगैरह चल रहा था कि प्राइस कभी बढ़ेगी, मीन्स GST बढ़ेगी, GST बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से अभी क्या है कि अप्रैल 1 तारीख से जैसे कि GST जो है अभी बढ़ गई है, तो इससे क्या हो गया 18% वो बढ़ गई, मतलब 6% ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी हम लोग को जो है प्राइसिंग जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा हर एक फ़ोन्स के, मतलब अभी जो अप्रैल महीने का पहले जो फ़ोन्स जितने भी फ़ोन्स आप बाई किए हैं वो सब प्राइस आपको थोड़े कम अभी मिल गए, क्योंकि जो 2019 में जो फ़ोन सब जो लॉन्च हुए थे उन सबके जो प्राइसेस है उसमें आपको बहुत ही अभी 2020 में कम देखने को मिले होंगे। पर अभी क्या है कि अभी जो जो फ़ोन अभी जो न्यूली फ़ोन जो लॉन्च हुए हैं पिछले महीने पिछले साल, उसके प्राइजेस थोड़े बढ़ जाएंगे और आपको जो है मीन्स थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू पिछले महीने, ठीक है, या तो पिछले साल जो जितने भी अपने जो मोबाइल वगैरह खरीदे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2020 में जो प्राइसिंग है थोड़ी घट गई थी, अब वो भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मीन्स अभी फॉर एग्जांपल के ले लें तो मीन्स अभी सामी के मीन्स जितना भी मीन्स फोन्स होते हैं उनके उनके उन पर जो है GST मीन्स 18% हर एक में 18% लागू है, मीन्स उसका जो प्राइसिंग है 1000 से लेकर 2000 तक वो बढ़ जाएगी। और रियलमी की बात करें तो 500 से बस 1000 रुपये ज़्यादा बढ़ा रही है, और बाकी कंपनियों को भी यही हाल है, 1000 2000 ऐसे कुछ बढ़ा रही है, 3000 ऐसे बढ़ा रहे हैं। बट सैमसंग का जो फ़ोन है मीन्स जो बहुत ही हाई एंड फ़ोन आते हैं, मीन्स जो कि मीन्स फ्लैक्सी फ़ोन आते हैं, उन सबको फ़ोन्स में जो है उनमें वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज लगा रहे हैं, मीन्स अभी 7000 तक अभी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, मीन्स अभी कोई भी मोबाइल का प्राइस 40000, तभी अभी जो है अभी उस प्राइस अभी वो आपको जो मिलेगा वो 47000 में वो आपको देखने को मिलेगा। और बाकी कंपनियों को भी यही हाल है गाइस, बस सैमसंग ने ही ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और एप्पल कंपनी हुआ और बहुत सारे हॉर्नर ओप्पो एस सॉरी हॉर्नर नहीं मतलब ओप्पो वीवो ये सारे कंपनियाँ भी, बहुत सारे कंपनियाँ हम लोग को जो इंडिया में जितने भी आते हैं मीन्स बढ़ा हुआ देखने को मिलेगी। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि मीन्स बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हम लोग का जो इंडिया में नहीं बनते, बहुत सारे अलग अलग देशों में बनते हैं, जिसकी वजह से उनको हमारे देश में इम्पोर्ट करने के लिए जो पैसा लगता है वो ना किसी को तो देना ही पड़ेगा, तो GST के द्वारा कटा जाता है, और हम लोग को जो मीन्स थोड़े ज़्यादा पैसे देने को मिल जाएगा, मतलब थोड़े ज़्यादा पैसे देने को मिलेगी, मतलब देने पड़ेगी। इसीलिए गाइस हमारे जो अभी बहुत सारे मोबाइल्स के जो प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
इसका वजह से क्या होता है कि मीन्स बहुत सारे लोग मीन्स गुस्से तो होंगे ही, क्योंकि यार इतना ज़्यादा अगर प्राइस बढ़ जाएगी जो कि मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो जिनको मीन्स बजट मतलब जिनका बजट भी हर किसी का बजट भी ज़्यादा नहीं होता है, मीन्स आपको हर किसी को आजकल लो बजट में ज़्यादा फीचर्स वाले मीन्स चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़्यादा फीचर्स वाले फ़ोन चाहिए होते हैं। इससे लगा ऐसा होने वाला मीन्स जो आपका जो प्राइसिंग वो भी ज़्यादा होने वाली है हर चीज़ मीन्स अभी अभी जो भी मार्केट में कह लो या फिर ऑनलाइन मार्केट में कह लो, हर जगह आपका जो प्राइसिंग थोड़े बढ़ी हुई दिखेगी। बस एक ही ब्रांड है गाइस जो कि मीन्स आपको GST जो है लागू नहीं की है, वो है गाइस मीन्स वो है गाइस हॉर्नर। हॉर्नर जो ब्रांड है उसने अपना जो GST है उसको लागू नहीं किया है, वो आपको मीन्स उतने ही प्राइस में देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसका प्राइस 10,000 है तो खुद अभी भी उसका 10,000 में ही मिलेगा, और कोई फ़ोन का जो कीमत है 14,000 है तो आप कभी 14,000 में देखने को मिल जाएगा। सो अब गाइस अब ये है कि हमारे ये कहानी अब हमारा इंडिया का, आप क्या कर सकते हैं यार, जो कंपनियां ने बढ़ा दिए तो बढ़ा दिए, अब क्या कर सकते हैं, कुछ बोला तो नहीं जा सकता। सो यही जानकारी दो गाइस आज मुझे आप लोगों को देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।